एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं यति गुड़गांव हिमालयस किचन। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ही रूफटॉप के अंदर नेपाली तिब्बतन फूड, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ की जो फेमस डिश है ना वो है हमारा कोटी मोमोस, और अब हम ये ट्राई करने जा रहे हैं। ओ इधर दिखाओ, कितना जूसी, इतना जूसी आपने आज तक कभी नहीं ट्राई किया होगा मोमोस। So, इसे ट्राई करते हैं। Trust me guys, इतना जूसी मोमोस ना मैंने आज तक कहीं का ट्राई नहीं किया है, और क्योंकि इनकी स्टार डिश है तो ऑब्वियसली टेस्टी तो होनी ही चाहिए। So, ये रहे हमारे स्टीम मोमोस जो हमने अभी अभी ऑर्डर किए थे, और मुझे ना इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। ये भी हम ट्राई करते हैं एक बार। मेरी ना फ्रेंड है ये, इन्होंने मुझे ये जगह मतलब बताई थी कि यहाँ पर आना जरूर, क्योंकि अगर आपको मोमोज पसंद है तो आप इस जगह को जरूर विजिट करते हो। और देखो, ओ भाई साहब, बहुत ही ज्यादा जूसी, और इसका डिप करते हैं हम लोग। मजेदार, बहुत ही बढ़िया। उसकी जो फिलिंग है ना, मतलब इन्होंने देखो पूरा चिकन की फिलिंग है, और पूरा भरा हुआ है चिकन से जूसी मोमोस। मुझे तो सच में मतलब प्यार हो गया इन मोमोस से। अभी ना साथ में मैंने इसकी थाली भी ऑर्डर की है। मैं नॉनवेज आज खाना नहीं चाहती, तो मैंने वेज थाली ऑर्डर किया, तो मैं आपको इनकी थाली भी दिखाऊँ। तो ये रही हमारी थाली, एंड इस थाली का नाम क्या है, वेज थकाली थाली है ये हमारी, और प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी। हमने जो हमारी थाली मंगाई थी ना, हमारी थाली आ चुकी है, और इस थाली का नाम बड़ा यूनिक है। एज यू गाइस नो, सारी नाम थोड़े यूनिक यूनिक है, और हम तिब्बतन फूड ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा तो लोगों ने पता है। तो इस थाली का नाम है थकाली थकेली थाली थकेली, क्या है इसका नाम, थकाली 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 थाली। सो इसमें इन्होंने हमें दिए है, ये है हमारा पनीर। ओए 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 यार, ग्रेवी बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, और साथ में हमारे पास है यहाँ पर ये दाल, और ये है हमारा, ये पालक का कुछ बना हुआ है, पालक की सब्जी है, पालक की सब्जी है, बट बड़ी टेस्टी सी लग रही है देखने में। और ये दही है, ये पिकल है, ये पिकल है, और ये हमारा करेला, और ये आलू है ना, हाँ ये आलू की भजिया, और ये हमारा पापड़। तो अब हम ये थाली ट्राई करते हैं। सही मजे आ रहे हैं, मतलब अगर आप गुड़गांव में रहते हो ना तो आपको ना मजनू का टिल्ला जाने की जरूरत है, यही आओ और ये ट्राई करो। तिब्बतन रेस्टोरेंट, और तिब्बतन रेस्टोरेंट आकर और हम यहाँ की फेमस कुजीन ट्राई ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो हम ट्राई कर रहे हैं लाफिर, और गाइस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इसकी मेकिंग देखी। ट्रस्ट मी, इतना यूनिक था ना, मतलब
बहुत सही तरीके से बनाया हुआ था। अगर मैं हो पाएगा तो मैं वीडियो में यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसकी मेकिंग दिखा दूंगी कि कैसी कैसे से प्रिपेयर किया गया है। एंड बहुत बढ़िया मेकिंग थी, बड़े साफ सुथरे तरीके से बेकिंग करी है। और बस अब ट्राई करते हैं, क्योंकि हम तिब्बतन फूड ट्राई करें तो इनका जो फेमस है वो ना ट्राई करें तो ऐसे कैसे चलेगा। सो ये हम ट्राई करते हैं। इसके अंदर की ना फीलिंग देखो, तो जो इसका जो ये आप आउटर लेयर देख रहे हो ना, ये बना है हमारा बेसन का। इसको इन्होंने स्टीम किया है, अब बेसन थोड़ा सा मैदा मिक्स है इसमें। और इसके अंदर की फिलिंग देखो आप, इसमें अनियन, टमाटो और इन्होंने और भी बहुत सारी वेजेस डाली हुई। खाली हम आपको बताएंगे नहीं कौन कौन से डाले हुए हैं। सो अभी इसको हम ट्राई करते हैं। मुझे ना मतलब ये लोग ना बड़े क्यूट ही लगते हैं। थोड़ा थोड़ा ना स्प्रिंग रोल जैसा टेस्ट आ रहा है मुझे। थोड़ा 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 बहुत उससे मैच होता है स्प्रिंग रोल जैसा, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। और जो इसका जो अंदर का मसाला है ना, थोड़ा सा स्पाइसी है, लेकिन उस स्पाइसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो ऊपर की जो इन्होंने आउटर लेयर बनाई है ना, बहुत सही है। बहुत ही बढ़िया। गुड़गांव में रहते हो, रहते आते हो, और भी नियरेस्ट लोकेशन जो आपकी हो ये देखिए। सो आप वहाँ पर जाके ना एक बार ये जरूर ट्राई करना। और इसकी थाली, तो थाली ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं ये ज़रूर ट्राई करूँ। टेस्ट में 10 में से 10 है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। लेकिन क्योंकि मैं स्पाइसी कम खाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा लगा ये, बट बहुत बढ़िया था टेस्ट में। सो गाइस, मैं भी अंदर बैठी थी और मौसम इतना सुहाना हो रहा है ना अभी, जैसे कि आप देख ही सकते हो चारों तरफ, एक बार चारों तरफ दिखा दो सभी, मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रहा है ना। सो मैंने सोचा कि हम क्यों ना अपना वाईफाई बाहर आके ट्राई करें। ये देखो यार, ये इतना टेस्टी लग रहा है ना देखने में, मतलब मुँह में पानी आ गया मेरे। मसाले ना बड़े बहुत सही स्वाद दे रहे हैं, मैंने सारे मसाले डाले थे ना। सो एज यू गाइज नो, मुझे ना बचपन से इस टाइप का जो भी डेको होता था ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब मैं बचपन से देखती थी हमेशा, और मेरा ना तिब्बत वगैरह जाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। बट क्योंकि वो विश तो मेरी पूरी हो नहीं पाई, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। लेकिन मुझे पता लगा इस जगह के बारे में, तो मैंने सोचा एक बार आके यहाँ पर ज़रूर ट्राई करती हूँ। सो बहुत क्यूट सा मतलब एम्बियंस है यहाँ का, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाओ, और साथ में एक और चीज, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब ना मुझे बचपन से इस टाइप का मतलब एम्बियंस बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। सो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मतलब कहीं तो मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ पर इस टाइप की डेकोरेशन हो। सो फाइनली मुझे मिल गई है। एंड बस आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। एंड अगर आप नियर मन्नू का टीला जा सकते हो तो वहाँ पर जाओ, लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हो और आप गुड़गांव में रहते हो, सो आप यति आ सकते हो ये जगह पर, बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम फीलिंग देगा। और अगर आप चाइनीज़ कुजीन के फ़ैन हो तो आप ज़रूर ये वाला फूड ट्राई करो यहाँ का। मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो एक बार आप ज़रूर आके ट्राई करो। तब तक लिए गाइस बाय।